समझाया और सबको आगाह किया, और आगाह करते हुए उन्होंने अपनी बात में ये कहा कि जब तक ये सरकार नहीं जाएगी तब तक कोई समाधान नहीं हो सकता। और जो ये एकता की बात हो रही थी, हमारे भाई अभी बात कर रहे थे, ये बहुत ही अच्छे अंदाज में उन्होंने अपनी बात को रखा और ये सही भी है। इसीलिए एक शायर कहता है कि हवेली झोंपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोंपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ दलितों मुस्लिमों का छूट जाएगा, अगर ये साथ दलितों मुस्लिमों का छूट जाएगा। और दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ दलित मुस्लिम को आपस में लड़ाने का काम करते हैं और हम लोगों के हक को छीन करके ये अपनी हठधर्मी दिखलाते हैं। तो इसलिए आज ज़रूरी है कि हम लोग सब इकट्ठा हो करके इनसे लड़ने की एक ताकत पैदा करें और इनसे लड़ने वाले बने। मांगते मांगते तो बहुत साल गुजर गए, मांगने से कुछ भी नहीं मिला। जो 341 का मुद्दा है उसको भी बहुत साल हो गए, ये साजिश के तहत में किया गया था और आज तक इस साजिश के शिकार हम हो रहे हैं। तो इस साजिश को ख़त्म करने के लिए हमको सत्ता पर काबिज होना बहुत ज़रूरी है। जब तक सत्ता पर काबिज नहीं होंगे तब तक ये लोग हमारी बात को नहीं सुनेंगे और नहीं मानेंगे। तो इसलिए मैं आप तमाम हजरात को यही कहते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि आप तमाम हजरात इकट्ठे होकर के और सत्ता पर काबिज बन जाइए, तभी हमारी बात की सुनवाई होगी और तभी हम और आप कामयाब हो सकेंगे। इसी बात पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ।